तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। हम इस समय खड़े हैं महाराज इनके सांसद पंकज चौधरी के गोद लिए हुए गांव बड़हरा मीर में। यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दहशत ऐसा है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ इस गाँव के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला, जो गाँव में लगभग 15 दिनों में लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, क्या मामला है, आखिर में क्यों इस गांव के लोग इतने दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीर लाहौर कप्तान। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़हरा मीर के। बड़हरा मीर के। इस गांव में लगभग 15 दिनों में कितने लोग मर चुके हैं? अभी दर्जन भर। दर्जन भर। क्या मामला है, क्यों मरे हैं ये? दवा के अभाव में। दवा के अभाव में? कोरोना है कि नॉर्मली बीमारी है, कैसे लोग मरे हैं? दहशत में है लोग। क्यों मरे हैं लोग? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। इस गाँव में सांसद पंकज चौधरी इस गांव से गोद लिए हैं, क्या अभी तक इस गांव में कोई स्वास्थ्य की टीम, कोई दवा का छिड़काव, कोई वैक्सीनेशन या कोई स्वास्थ्य कर्मी अभी तक आया? नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। ये गांव की हकीकत है, हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हमारे इसी गांव के कुछ लोग और हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम शिवेंद्र। कहाँ से आने वाले हैं? बड़हरा मीर। बड़हरा मीर। ये बताइए चाचा, इस गाँव में लगभग 15 दिनों में पूरे जिले में चर्चा का विषय है कि महाराज जी के सांसद पंकज चौधरी जिस गांव को गोद लिए हैं, इस गांव में लगभग 15 दिनों में दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, क्या कारण है, आप क्या मानते हैं इसको, क्यों लोग आखिर में मर रहे हैं? दवा के अभाव में मर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। क्या बीमारी है उन लोगों को, क्यों आखिर में मर रहे हैं? कुछ कोरोना वाले हैं, कुछ यहाँ पे जो दवा है, जो सिम्टम है कोरोना के, आप लोग जांच करा रहे हैं? जांच करा रहे हैं। कहाँ से जांच करा रहे हैं? महाराज जी। महाराज जी, जांच के डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग बोल रहे हैं मस्तिष्क जर है, यहाँ जकड़ है, ये सब बोल रहे हैं। दवा वगैरह वही बुखार वाला चला रहे हैं, वही जो झोला छाप के हिसाब से दवा होती है, वही गांव में गांव के लोग छोटे मोटे नुक्कड़ चौराहे पे जाके अपने हिसाब से दवा करा रहे हैं, और वही दवा कराने के बाद जो है वही हो रहा है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? केशनाथ पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़हरा मीर। बड़हरा मीर। ये बताइए, पूरे जिले में चर्चा का विषय है इस गाँव में लगभग 15 दिनों में दर्जन बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, हाँ जी, क्या कारण है? इधर गांव में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जो है शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, और जो है अपने इसी पर जो मरीज जा रहे हैं वहां कोई जो है जगह भी नहीं है। सब डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि हमको भी एप्लीकेशन दे करके वो भी बाहर चले गए हैं कि हम लोग के खुद कोरोना हो गया है, कोई सुविधा भी मुख्यालय नहीं है, इस करके जो है कितने आदमी जो है दवा बिना भी मर जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मर लोग जो मर रहे हैं, किस कारण, क्या बीमारी उन्हें हो रही है? बीमारी यही सांस फूलना है, जैसे बुखार आ गया है, खांसी आ रहा है, इसी की वजह से जो है आदमी। गांव में कुछ दवा का छिड़काव, गांव के कुछ स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम जांच वगैरह करनी? कोई आज तक ले कोई गांव में दवा का छिड़काव नहीं हुआ। इलाज कराने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? महाराजगंज मुख्यालय। वहाँ से लोग क्या बोलते हैं, जो जाँच होती है, जाँच में क्या होता है? जाँच इतनी समय कोई जाँच नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई अस्पताल भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है। कोविड के लिए 2 अस्पताल जिले में नामित हैं, आप इस अस्पताल में गए थे कोरोना जाँच के लिए? 2 अस्पताल नामित हैं? नहीं नहीं, नहीं। आपने किसी से कहा, डॉक्टर वगैरह किसी से मिले वहाँ पे जाँच करने के लिए, इलाज के लिए गए? मैं गांव का क्या हालात है, लोग सुनने में आ रहा है कि लोग काफी दहशत में है, क्या है इस समय में? बहुत दहशत है, जैसे 2-4 लोग मर रहे हैं, जिसके बीमारी नहीं वो भी हदास के जो है बीमार हो जा रहे हैं, इसके कारण से आदमी बीमार भी पड़ जा रहे हैं, हदास के मारे बीमार पड़ जा रहे हैं। हमारे साथ इसी गांव के कुछ लोग और भी हैं, एक शख्स और हैं जो लगातार दहशत के साए में जी रहे हैं, लोग कुछ लोग और बात करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाले? अविनाश पटेल, बड़हरा मीर। अविनाश पटेल, बड़हरा मीर। बताइए, दर्जन भर होंगे कारण बस मरे हैं?
यही कोरोना की बीमारी, कुछ लोग सही इलाज नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है जांच करने के लिए या फिर दवा की छिड़काव या कोई वैक्सीनेशन? ये था बड़हरा गांव जो सांसद पंकज चौधरी गोद लिए हैं। ये देखिए इस समय जो है कल तक का सरकारी आंकड़ा हमारे पास है, जो कुल जो है मृत्यु कल तक का 107 लगभग दिखाया गया है और इसमें जो है केसेस 1105 केस दिखाए गए हैं। जो दावा कैसा है, लोगों का कहना है कि लगातार जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौतों का आंकड़ा लगातार छिपा रहा है और कोरोना का जो माहौल है शहरों को छोड़ के अब गांव में पूरी तरह से पैर पसार चुका है। लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पे कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और ना तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे उन लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराई जा रही है। शिवेंद्र त्रिवेदी, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।